तो भाई मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जिससे क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम को मैं कवर कर लूँगा एक साथ। ये क्वेश्चन है, वो हिंज लगा हुआ है और 4 मीटर 6 मीटर वहाँ पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक फ्रेम टाइप से है ना, इसे एनालाइज करना है हमें, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम देखना है। तो पहले तो आप क्या करो, पूरा जो सिस्टम है FBD मतलब बॉडी को फ्री कर देना है पूरी को। तो मैंने हिंज पे बताया था कि रोटेशन अलाउड होती है और हिल नहीं सकता वो अपनी जगह से, रोटेशन हो सकती है उसके अबाउट। तो जो हिल नहीं सकता तो वाई डायरेक्शन में भी नहीं हिलेगा और एक्स में भी नहीं हिलेगा। तो दो रिएक्शन आएगी, RY और RX। ये पूरे सिस्टम को आप, पूरी सिस्टम की FBD है पहली वाली, जो मार्कर जिसमें चला रहा हूँ। तो 80 न्यूटन लग रहा है यहाँ, RX में 0 लग रहा है, RX 0 है। तो जब वो 80 है नीचे की ओर है ना, तो RY क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर। और जो BC है, BC की FBD हम देख रहे हैं, यह 80 लग रहा है नीचे और यह 80 है। तो यहाँ पर जो RY बनेगा BC में वो भी 80 आएगा और 480, 80 × 6 480 क्लॉकवाइज, B के अबाउट क्लॉकवाइज बन रहा है 480। तो मूवमेंट आ जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज में 480। ये जो है ना यानी, इसमें मैंने बॉडी को फ्री कर दिया, BC एक बॉडी मानो अलग से। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी को फ्री कर दो और उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखना है बस। तो 80 नीचे की ओर है तो AB जो बॉडी है इस पर रिएक्शन लगाएगी, RY, और एक मूवमेंट लगाएगी। तो आप देख रहे होगे इस बॉडी पे 80 × 6 मूवमेंट लग रहा था क्लॉकवाइज, ये 80 × 6 क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब M जो है रजिस्टिंग मूवमेंट है, वो काउंटर क्लॉकवाइज आना चाहिए। ये होता है इक्विलिब्रियम, BC जो डंडा है उसके इक्विलिब्रियम के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि पूरा फ्रेम जब जाएगा एक साथ घूमेगा तो BC बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो 0 आनी चाहिए। तो रिएक्शन आ जाएगी, RY जो BC पे लग रही है, RY वो AB की वजह से लगेगी BC पे, तो वो ऊपर को आएगी 80। तो एक्शन रिएक्शन कहता है कि जब AB BC पे लगा रहा है ऊपर की ओर, तो BC जो है AB को खींचेगा नीचे की ओर। तो ये देखो खींच दिया उसने नीचे की ओर 80, और यहाँ जो मूवमेंट था AB की वजह से जो आ रहा था BC पे काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ आएगा क्लॉकवाइज, वो M' मान लो। ये भी एक्शन रिएक्शन है, ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे मूवमेंट लग रहा है किसी के थ्रू, तो वो बॉडी उस बॉडी पे उल्टा लगाएगी। तो 480 देखो क्लॉकवाइज आ गया, और RY और RX माने हैं हमने। अब बॉडी AB को देख रहे हैं हम, वो देखो जो बॉडी AB को मैंने फ्री कर दिया, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब 80 + RY 0 होना चाहिए, σFY = 0 है इक्वेशन, σFY = 0। तो σFY = 0 है, तो RY जो है देखो ये 80 है वो भी नीचे को है, तो इक्विलिब्रियम तो तब बनेगा जब वो ऊपर को आए। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है वो उल्टा आनी चाहिए। तो वो बता रहा है कि -80 बता रहा है कि हमने माना नीचे को है लेकिन आना ऊपर को चाहिए, इसका मतलब ये है। और देखो RX जो है 0 आ जाएगा खुद ही, क्योंकि X डायरेक्शन में कोई फोर्स बन नहीं रहा है। तो अब खुद देख लो आप, M' जो है उसे कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हिंज पे रिएक्शन तो आती नहीं है मूवमेंट वाली। इसका मतलब ये जो सिस्टम है इस पर एक सब इक्विलिब्रियम पे, बस इस पर एक M' जो है अनबैलेंस रह गया, वो इसे घुमा देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि M' क्लॉकवाइज है। वो आप स्ट्रक्चर को शुरू में ही देख के भी बता सकते थे कि 80 × 6 ही घूमेगा ऐसे करके, क्योंकि 80 की लाइन ऑफ एक्शन ये है और हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है। तो M' जो है रिस्पॉन्सिबल होगा इसके रोटेशन के लिए, और नेट रोटेशन M' की वजह से ही होगी और क्लॉकवाइज होगी, वो बैलेंस नहीं होगी, विल नॉट बी बैलेंस।